अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ोया और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। जो मज़ेदार सा मसाला आप आज के शो में देख सकेंगे उसकी मुख्तसर सी झलक ये है। अरे बड़ा नहीं ज़्यादा तो मैं तर्जुमा कर दूँ? नहीं नहीं है। हम सुन कर ही बता सकते हैं कि ये वज़ीर आज़म बनने का असली नोटिफिकेशन ही है। हज़रत गफूर हैदरी साहब अपने इमरान से कह दें कि असम्बली में आईनी तरमीम की हिमायत कर दे कि मैं खुद खुशी कर लूंगा लेकिन आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। कहा नहीं था तो क्या हुआ? आईएमएफ ने खान साहब को रोका भी तो नहीं था ना। जिस तरह से हम चीजें महंगी कर रहे हैं मुझे डर है कि कहीं हमारा आवाम घबरा ना। फायदे तुम जितने मर्जी बता दो लेकिन इस पुलिस वाले के सवाल का जवाब तुम ही दोगे। आपके सवाल का जवाब है नो कमेंट। अरे ये का जवाब हुआ शहबाज शरीफ साहब है। चले खैर ये बताएं कि आप पाकिस्तान वापस कब आ रहे हैं? ओ मैं बताता हूँ जी, बुद्धार साहब से पहले ना वजीर आला शहबाज शरीफ साहब थे और वो सारे काम खुद किया करते थे, इसलिए बुद्धार साहब ने भी ये फैसला किया है कि ये अब सारे काम खुद किया करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ऐसे कूड़ा तो नहीं उठाते। अवाम को ये तक कहने का मौका नहीं दिया गया कि वो कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिला दे। अरे बाबा हमारी अवाम को तो ऐसे लोग पसंद ही बहुत है जी, जो उनको बहुत आसान है। और आपके वजीर तो इतने फनी है सही, इतने फनी है। शेख रशीद साहब का कहना है कि हरीम शाह से बात कर ली तो क्या हुआ, कुछ गलत तो नहीं किया? जाहिर है जो हकूमत में हो उसके लिए क्या गलत और क्या सही। वैसे भी यहाँ के अखलाकियात और कानून गरीब आदमी के लिए ही तो बनाए गए हैं। ताकतवर तो अरबों रुपए के करप्शन के बाद भी जमानत पर रिहा हो जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान चौधरी शुजात से किस बात पर नाराज हैं आइए आपको दिखाते हैं। हजरत मौलाना साहब चौधरी साहब सही फरमा रहे हैं, अपने मौकफ में थोड़ी लचक पैदा करें। हैदरी साहब हम फौलाद हैं फौलाद, कोई पजामे में डालने वाला इलास्टिक नहीं है कि लचक पैदा कर ले। मौलाना तू तो बासी कुलचे की तरह अकड़ गया, अब मेरी बार मान, आनी तरमीम की मैं आज कर दे और तुझे कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप वापस दे दूंगा और 22 नंबर बंगले की चाबी भी। बाकी चौधरी साहब हमने पूरे 14 दिन का धरना दिया है, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक मिलियन मार्च किया है, अब हम सिर्फ चेयरमैनशिप पर बिकने वाले नहीं हैं। मेरा मतलब है मतलब बोली थोड़ी और बढ़ाई जाए। बोली बढ़ा दो, आप तुझे वज़ीर आज़म की कुर्सी पेश कर दूंगा। आपके मुंह में घी शक्कर, अब आपने सौदेबाजी वाली बात की है। हजरत मौलाना साहिब को चाहे एक हफ्ते का वजीर आजम बना दे, उसके बाद कोई उतार सकता है तो उतार ले। अच्छा चलो मैं ऊपर बात करता हूँ। ले मौलाना तेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी, ये ले वजीर आजम बनने का नोटिफिकेशन, जा कर ले अपने को मत। हजरत गफूर हैदरी साहब हमने कहा था ना एक दिन हम जरूर वजीर आजम की कुर्सी पर बैठेंगे। ये असली नोटिफिकेशन ही है ना। खाले ने अंग्रेजी में लिखा है, जब बड़ा नहीं ज्यादा तो मैं तर्जुमा कर दूँ? नहीं नहीं है, हम सुन कर ही बता सकते हैं कि ये वजीर आजम बनने का असली नोटिफिकेशन ही है। हजरत गफूर हैदरी साहब अपने इमरान से कह दें कि असम्बली में आईनी तरमीम की हिमायत कर दें। मैंने तो पहले ही सबको कह दिया था लेकिन हजरत मौलाना साहिब आप पहला हुक्म तो जारी करें, पता तो चले कि आप वाकई वजीर आजम हैं या फिर हमारे साथ धोखा हुआ है। हुक्म दिया जाता है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके इस पर बुढ़ापे में जवान नजर आने का मुकदमा चलाया जाए। इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इमरान खान हमने कहा था ना बचो बचो, जितना हमसे बच सकते हो
بچو۔ حضرت غفور حیدری صاحب، عمران خان پر جعلی حکومت چلانے کا بھی مقدمہ چلایا جائے۔ جی حضرت مولانا صاحب، میں ابھی نائب کو آرڈر جاری کرتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب، قومی اسمبلی سے آئینی ترمیم منظور ہو گئی ہے، آپ کا بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ شکریہ، میرے سر سے بہت بھاری بوجھ اتر گیا۔ ایک منٹ ایک منٹ، 73 کے آئین کے تناظر میں ہم وزیر اعظم ہیں، ہمیں مبارک باد دو۔ کیوں چودھری صاحب؟ بات یہ ہے مولانا، ہم نے تیرے ساتھ ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا ترمیم منظور کرانے کے لیے، اب وزیر اعظم تو عمران خان ہی ہے۔ لیکن حضرت مولانا صاحب کا وزیر اعظم بننے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، قانونی طور پر وزیر اعظم حضرت مولانا صاحب ہی ہے۔ غفور حیدری صاحب، نوٹیفیکیشن کو غور سے دیکھیں، کسی کے اس کے اوپر دستخط ہی نہیں ہے۔ حضرت غفور حیدری صاحب، کم از کم آپ ہی دیکھ لیتے، اس پر تو کسی کے دستخط ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ حضرت مولانا صاحب، آپ جعلی وزیر اعظم ہیں۔ بابا چلیں، جلدی اٹھیں، کرسی خالی کریں، مجھے بہت کام کرنا ہے۔ نہیں نہیں، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، میں یہ کرسی نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، یہ کرسی ہماری ہے، ہم کرسی نہیں چھوڑیں گے، ہم وزیر اعظم ہیں، یہ کرسی ہماری ہے، یہ کرسی۔ مولانا صاحب، کیا ہوا؟ حضرت غفور حیدری صاحب، 73 کے آئین کے تناظر میں خواب میں بھی ہمارے ساتھ دھوکا۔ وزیراعظم صاحب، عوام کو کیوں چیک کر رہے ہیں کہ وہ گھبراتا بھی ہے یا نہیں؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ وزیراعظم صاحب، آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق ہمیں بجلی، گیس، پیٹرول اور عوام کے استعمال کی تمام چیزیں مزید مہنگی کرنی پڑیں گی۔ ایک تو آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے میں بہت تنگ آ چکا ہوں، اب تک میری سب سے زیادہ بےزتی یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ دیکھیں خان صاحب، آپ کا کون سا آئی ایم ایف نے یہ بیان دینے کو کہا تھا کہ میں خود کشی کر لوں گا لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا؟ کہا نہیں تھا تو کیا ہوا؟ آئی ایم ایف نے خان صاحب کو روکا بھی تو نہیں تھا نا؟ جس طرح سے ہم چیزیں مہنگی کر رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارا عوام گھبرا نہ جائے۔ پیٹرول 3 روپے مہنگا کر کے دیکھ لیں کہ عوام گھبراتا بھی ہے کہ نہیں۔ ہاں، آئیڈیا برا نہیں ہے، عوام کے گھر لگے ٹی وی پر یہ خبر چلوا دو کہ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ اس دوران ہم سی سی ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ عوام گھبراتا بھی ہے یا نہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ اضافہ فی لیٹر 3 روپے کے حساب سے کیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 3 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں خان صاحب، ہم نے پیٹرول 3 روپے مہنگا کر دیا لیکن عوام بالکل نہیں گھبرایا۔ عوام کہیں صدمے سے پاگل تو نہیں ہو گیا؟ حفیظ شیخ صاحب، آپ پیٹرول 5 روپے فی لیٹر مزید مہنگا کر دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ عوام گھبراتا ہے یا نہیں۔ 5 روپے مہنگا کریں گے تو عوام ضرور گھبرا جائے گا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں 5 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے، اس سے قبل 3 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا جو کہ واپس لیا گیا ہے، اور اس وقت 5 روپے فی لیٹر کے حساب سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عوام گھبرا کیوں نہیں رہا؟ کہ عوام کے گھر کا ٹی وی خراب تو نہیں ہو گیا؟ اب دیکھیں خان صاحب، عوام کا پورا گھر تباہ ہو سکتا ہے لیکن عوام موبائل اور ٹی وی دونوں چیزیں کبھی خراب نہیں ہونے دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ عوام نے خان صاحب کی بات مان کر گھبرانا چھوڑ دیا ہو۔ خان صاحب، پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھا کر چیک کر لیتے ہیں، جس قیمت پر عوام گھبرا جائے پھر اس میں سے تھوڑی قیمت کم کر دیں گے۔ ہاں، ایسا کرو کہ پیٹرول 50 روپے فی لیٹر مہنگا کر دو،
और फिर देखते हैं कि अवाम घबराता भी है या नहीं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। महंगाई का तूफान सर चढ़ के बोलने लगा है। पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। हमने पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए फी लीटर इजाफे की खबर चलवा दी, लेकिन आवाम फिर भी नहीं घबरा रहा। अब देखे खान साहब, आवाम के घर जाकर देखते हैं क्या खैर वजह क्या है। हाँ हाँ चलो चलो। अरे खान साहब, आप और इस गरीब के गरीब खाने में कैसे? असल में हम ये चेक करने आए कि आप घबराते क्यों नहीं हैं? मैं शर्माता क्यों नहीं? जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब मैं बहुत शर्माता था और फिर ना आहिस्ता आहिस्ता मैं डीठ हो गया। अब देखे शर्माने की बात नहीं कर रहे, खान साहब पूछ रहे हैं कि आप घबराते क्यों नहीं, कमाता क्यों नहीं? और जब नई नौकरी मिलेगी तो कमाने भी लगूंगा। अवाम तो बहरा हो गया है, इसे तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे सब दिखाई देता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप पूरे 8 लोग हैं। आप जितनी चाहे महंगाई कर दें, अवाम को कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। हफीज शेख साहब, अब आप जब चाहे मेरी इजाजत के बगैर हर चीज महंगी कर सकते हैं। चलो चले। हाँ साहब, चाय नहीं पीनी तो चाय के पैसे ही देते जाएं। सुने तो फायदे तुम जितने मर्जी बता दो, लेकिन इस पुलिस वाले के सवाल का जवाब तुम ही दोगे। आपके सवाल का जवाब है नो कमेंट। अरे ये का जवाब हुआ शहबाज शरीफ साहब है। चले खैर, ये बताएं कि आप पाकिस्तान वापस कब आ रहे हैं? मैं बताता हूँ जी, बुद्धार साहब से पहले ना वजीर आला शहबाज शरीफ साहब थे और वो सारे काम खुद किया करते थे, इसलिए बुद्धार साहब ने भी ये फैसला किया है कि ये अब सारे काम खुद किया करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ऐसे कूड़ा तो नहीं उठाते। अवाम को ये तक कहने का मौका नहीं दिया गया कि वो कैमरे की तरफ देख कर हाथ हिला दे। अरे बाबा, हमारी अवाम को तो ऐसे लोग पसंद ही बहुत है जी, जो उनको बहुत असहज है। और आप के वजीर तो इतने फनी है सही, इतने फनी है। सर्दी और बारिश की वजह से स्कूल एक दिन खुलने के बाद 12 जनवरी तक बंद हो गए। बच्चों की तो मौजें ही हो गई। अब छुट्टियों के बाद भी बच्चे स्कूल आकर यही दुआ करेंगे कि अल्लाह करे इस सर्दी में बर्फबारी शुरू हो जाए ताकि छुट्टियां मजीद बढ़ जाए। अगर मजीद छुट्टियां ना मिली तो बच्चों को वही पुराना बीमारी वाले बहाने से ही काम चलाना पड़ेगा। शेख साहब की लड़कियों से बातें करने पर वीडियोस क्यों लीक हो रही हैं? आइए इस पर देखते हैं फिल्म का पैरोडी सीन। हॉटलाइन में देखते हैं मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ का बराह रास्त लंदन से इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको बैचलर हाउस एसएच शहजादी सोटी घुमावा तेरे नखावा। मैं मुल्क को बाहर जावा तो तुम्हारा हाथ ना हो। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं पाजी, वाह वाह। नाजरीन आपको पता तो चल ही गया होगा कि हमारे मेहमान आज हमारे शो में कौन है जी, मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ साहब, आपके वोटर्स ने पैगाम भेजा है जी, पूछ रहे हैं कि वोट को अभी भी इज्जत देनी है कि नहीं। नहीं, मेरा मतलब है इस सवाल का जवाब शहबाज देगा। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं बाजी, हमेशा फायदा आप उठा लेते हैं और अवाम की नजर में बदनाम शहबाज शरीफ होता है। फायदा उठा लिया, यही के इलाज के लिए लंदन आ गया, ये भी कोई फायदा हुआ? अरे बाजी, जेल में तो मतलब कोमा और क्रेने गोश आप तक पहुंचने से पहले पुलिस वालों के पास पहुंच जाते हैं, आपको हर चीज की आजादी है, ये फायदा कम है क्या? देखो शबाज, फायदे तुम जितने मर्जी बता दो, लेकिन इस पुलिस वाले के सवाल का जवाब तुम ही दोगे। आपके सवाल का जवाब है नो कमेंट। अरे ये का जवाब हुआ शहबाज शरीफ साहब है। चले खैर, ये बताएं कि आप पाकिस्तान वापस कब आ रहे हैं जी? अब मैं और मेरे पाजी साथ ही वापस आएंगे, पाजी का इलाज मुकम्मल होने के बाद। क्या कहा शहबाज, मेरा इलाज मुकम्मल होने तक तुम यहीं रहोगे? जी पाजी। इसका मतलब है तुम
पाकिस्तान कभी नहीं जाओगे। मेरा मतलब है वोट की इज्जत की खातिर तुम्हें पाकिस्तान जरूर जाना चाहिए। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं पाजी, वोट की इज्जत का ठेका अकेला शहबाज शरीफ नहीं उठा सकता। अगर आप लोग वापस ना गए ना तो हो सकता है कि मेरे नवाज से जमानत मंसूख हो जाए जी। इसी तरह मरियम बेटी लंदन आ जाए ना तो फिर हम दोबारा पाकिस्तान जाने की गलती कभी नहीं करेंगे। पाजी, पाजी अगर मरियम बेटी लंदन आ गई ना तो उसने आपको भी साथ वापस ले जाना है, क्योंकि नून लीग की अगली लीडर वो खुद बनना चाहती है। एक तो शहबाज तुम मुझे हर वक्त डराते रहते हो। ज़हरा जी अगर आपने सियासत करी है तो पाकिस्तान वापस आए ना जी, और मुकदमात का सामना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। खैर जी, इस फ्लैट की कीमत कितनी होगी जी? वैसे मैं भी ना एक ऐसे फ्लैट खरीदना चाहती हूँ जी। क्या बात करती हो, क्या बात करती हो, तुम्हारी कतरी शहजादों से कोई वाकफियत है? मेरा मतलब है कि हमें तो ये फ्लैट कतरी शहजादों ने तोहफे में दिए थे। इन फ्लैट्स की जितनी कीमत है सुन के तुम्हें कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। तो ये महंगे है ना जी, तो फिर कीमत ना ही बताए हैं। चलो लड़की, अब इंटरव्यू खत्म करो, डॉक्टर पाजी को चेक करने के लिए आ रहे हैं। इजाजत जी, अगले हफ्ते मियां साहब के डॉक्टर के साथ आपसे होगी मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़। मैं बताता हूँ जी, बुद्धार साहब से पहले ना वजीर आला शहबाज शरीफ साहब थे और वो सारे काम खुद किया करते थे, इसलिए बुद्धार साहब ने भी ये फैसला किया है कि ये अब सारे काम खुद किया करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ऐसे कूड़ा तो नहीं उठाते थे? अवाम को ये तक कहने का मौका नहीं दिया गया कि वो कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिला दे। अरे बाबा, हमारी अवाम को तो ऐसे लोग पसंद ही बहुत है जी, जो उनको बहुत आसान है। और आपके वजीर तो इतने फनी है सही, इतने फनी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने सीनियर सहाफी को थप्पड़ मारने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा है, जिसका दिल चाहता है सियासतदान की इज्जत उछाल देता है। फवाद चौधरी साहब, लोगों का तो काम है बोलना, लेकिन एक वफाकी वजीर को कानून हाथ में लेने के बजाय ऐसे कानून बनाने चाहिए जहां सबकी इज्जत महफूज हो। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ फिर तो हर उस पार्टी में जहाँ आपको बुलाया गया हो लोग हेलमेट पहन कर जाएंगे। इस जगह तो पहले ही बहुत सफाई है, तो तुम मुझे किस जगह लेकर आए हो? मेरे आला साहब, इससे हमने गुजर कर जाना है। पान बुजार साहब, ये क्या हुलिया बना के रखा है आपने? कोई मिस्त्री मजदूरों वाला काम तो नहीं शुरू कर लिया? ओ नहीं जी, शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, हम वो उठाने जा रहे हैं। कमाल है, आप कूड़ा उठाने खुद ही निकल पड़े। कूड़ा उठाने के लिए तो बल्दिया का महकमा है ना। मैं बताता हूँ जी, बुद्धार साहब से पहले ना वजीर आला शहबाज शरीफ साहब थे और वो सारे काम खुद किया करते थे, इसलिए बुद्धार साहब ने भी ये फैसला किया है कि ये अब सारे काम खुद किया करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ऐसे कूड़ा तो नहीं उठाते थे? हाँ, बता, गैर मुल्की कंपनियों से उन्होंने कूड़ा उठाने के मुआहदे जरूर कर रखे थे। तुम तो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ सारे काम खुद करते थे। मैं जब भी कोई काम करने लगता हूँ तो पता चलता है कि शहबाज शरीफ पहले ही वो काम कर चुका है। वजीर आला साहब, मैं तो इसलिए कह रहा था कि आप कुछ नया करेंगे तो बहुत मशहूरी होगी। तो मशहूरी तो शायद ना हो सके, अलबत्ता बदनामी जरूर होगी। और कूड़ा क्रिकेट तो वैसे भी लाहौर की सड़कों पर बिखरा पड़ा है, बारिश के बाद ये सूरत हाल और भी खतरनाक हो जाती है। असल में तो हम कूड़ा इसलिए नहीं उठा रहे थे कि कहीं अस्पतालों का कारोबार बंद ना हो जाए। मेरा मतलब है कि कूड़ा उठाए बगैर भी तो काम चल ही रहा था ना, और पैसे की बचत भी हो रही है। हुकूमत कोई काम तो कर नहीं रही है, ये अरबों खरबों के हिसाब से जितना टैक्स इकट्ठा किया जाता है आवाम से वो जा कहाँ रहा है? उस सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों और प्रोटोकॉल में सब निकल जाता है, और जो थोड़ा बहुत बचता है वो हुकूमत की इश्तिहारी मुहिम और वीआईपी प्रोटोकॉल में लग जाता है। मेरा मुलाजम है या इसका? चल ना तू जरा वजीर आला हो, मैं तुझे प्रोटोकॉल दिलाता हूँ। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अरे बात तो सुने, अभी तो मैंने आपसे सड़कों की खराब हालत पर सवालात भी करने थे। लो चले गए। बुजार साहब मशहूर होने के लिए किस फिल्म में काम कर रहे हैं आइए आपको दिखाते हैं।
عوام کو یہ تک کہنے کا موقع نہیں دیا گیا کہ وہ کیمرے کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا دے۔ ارے بابا، ہماری عوام کو تو ایسے لوگ پسند ہی بہت ہیں جی، جو ان کو بہت آسان ہے۔ اور آپ کے وزیر تو اتنے فنی ہیں سہی، اتنے فنی ہیں۔ سپریم کورٹ نے موٹر وے پہ موٹر سائیکل چلانے کی اجازت برقرار رکھتے ہوئے حکومت کی درخواست مسترد کر دی۔ ایک موٹر وے ہی تو تھی جہاں پر گاڑیاں بلا خوف و جھجک چلتی تھیں، ورنہ شہر کی سڑکوں پر تو اتنے لوگ نظر نہیں آتے جتنی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز نظر آتی ہیں۔ پروگرام سائی تو سائی میں دیکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو۔ السلام علیکم سائی بابا، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلمان خان سائی، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دبنگ بابا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر خان صاحب سے۔ اوہو شاہ صاحب، آپ ہر دفعہ بھول جاتے ہیں کہ میں وزیر اعظم عمران خان ہوں اور آپ قائم علی شاہ صاحب ہیں۔ ارے بابا مبارک ہو سہی، آپ وزیر اعظم بن گئے تھے، لیکن بابا یہ ثانیہ کب اور کیسے ہوا سہی؟ ارے شاہ صاحب، جب میں وزیر اعظم بنا تھا تو آپ نے مبارکباد دی تھی، آپ بھول گئے کیا؟ ارے بابا میں نے مبارکباد دی تھی کیا؟ حالانکہ بابا اس بات پہ تو تین دن کا افسوس کرنا بنتا تھا سہی۔ چلو بس کوئی بات نہیں، اب میری جگہ پہ پوری قوم افسوس کرے گی سہی جب تک آپ وزیر اعظم ہیں۔ شاہ صاحب، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے یہاں انٹرویو کے لیے بلایا ہے یا میرا مذاق اڑانے کے لیے؟ ارے بابا مذاق تو آپ لوگ کر رہے ہیں بابا اس قوم کے ساتھ، آپ وعدہ کچھ کرتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں سہی۔ دیکھیں شاہ صاحب، اس قوم کے ساتھ پچھلے 70 سالوں سے مذاق ہوتا رہا ہے، لیکن اس قوم نے کبھی برا نہیں منایا، ہم نے تو صرف اس قوم کے ساتھ ہلکا سا مذاق کیا ہے۔ اب یقین جانے ہم سے پہلے حکمرانوں نے تو اس قوم کے ساتھ پرینکس کیے، اور آخر میں عوام کو یہ تک کہنے کا موقع نہیں دیا گیا کہ وہ کیمرے کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا دے۔ ارے بابا، ہماری عوام کو تو ایسے لوگ پسند ہی بہت ہیں سہی، جو ان کو بہت آسان سہی، اور آپ کے وزیر تو اتنے فنی ہیں سہی، اتنے فنی ہیں، لگتا ہی نہیں ہے سہی وہ وزیر ہے یا کامیڈین ہے سہی۔ اسی لیے تو ہماری حکومت میں ایک ایک کر کے تمام مزاحیہ پروگرام بند ہوتے جا رہے ہیں۔ ارے بابا وہی تو کہہ رہا ہوں، جو کام ہمارے کرنے والے تھے بابا وہ آپ کے وزیروں نے شروع کر دیے سہی۔ اچھا جی یہ بتائیں، آپ کا کون سا وزیر ایسا ہے جسے ہم بہت زیادہ ذہین اور قابل کہہ سکے سہی؟ دیکھیں شاہ صاحب، ذہین اور قابل لوگ کبھی ترقی نہیں کرتے، بے وقوف لوگ زیادہ ترقی کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے بھی کسی قابل اور ذہین شخص کو وزارت نہیں دی۔ پھر یہ حکومت چل کے سریے سے سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ آپس کی بات ہے، یہ بات تو ابھی تک ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ حکومت کیسے چل رہی ہے۔ میرا مطلب ہے، جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تب حکومتی گاڑی کی ٹنکی بالکل خالی تھی، آئی ایم ایف سے قرض لے کے ہم نے گاڑی کی ٹنکی فل کی۔ معیشت، انصاف، صحت اور امن و امان کے چاروں ٹائر پنکچر تھے۔ آپ نے تو پھر سے وہی منجن بیچنا شروع کر دیا جی جو پچھلے 1.25 سال سے بیچ رہے ہیں بابا۔ ارے بابا کوئی نئی بات بھی کر لیا کریں سی، ہر بار وہی پرانی باتیں بابا۔ شاہ صاحب، عوام کو نئی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں بھی وہی باتیں کرنی پڑتی ہیں جس پر تالیاں بجتی ہیں۔ لیکن بابا عوام کو تعلیم اور شعور دینا حکومت کا کام ہے سی، آپ لوگ عوام میں تعلیم اور شعور عام کیوں نہیں کرتے سی؟ شاہ صاحب، میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہمیں تو حکومت میں آئے صرف 1.25 سال ہوا ہے، پچھلی حکومتوں نے عوام کو تعلیم اسی لیے نہیں دلوائی۔
अरे बस कर दे बाबा, बस कर दे। हर इल्जाम पहली हुकूमतों पर, हर इल्जाम पहली हुकूमतों पर। बाबा आपने तो तालीमी बजट पहली हुकूमतों से भी कम कर दिए थे, और के पी के में तो वजीर तालीम भी उसे बना दिए थे जो खुद मैट्रिक पास है। बाबा मेरा ख्याल है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे जिंदगी में दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। अरे बाबा बात तो सुनो नाजरीन, हमारे वजीर आजम शाहरुख खान सब तो चले गए थे, अब मुझे भी इजाजत दे, आप सबका खुदा ही हाफिज़ से। आइए देखते हैं एक स्किट। अब मेरे किसान भाइयों, आप सब लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों के वोटों की वजह से ही तो आज मैं वजीर आजम हूँ। खान साहब, आप हमारे वोटों की वजह से वजीर आजम नहीं बने, क्योंकि हमने तो आपको वोट ही नहीं दिया था। खामोश, यहाँ तो मजाक नहीं हो रहा, आप लोगों ने वोट नहीं दिया तो क्या हो गया? वजीर आजम तो फिर भी मैं बन ही गया हूँ। अब मेरा मतलब है, आप लोगों को गैस के कनेक्शन फिर भी दिए जा रहे हैं, बस आपने घबराना नहीं है। खान साहब, बिजली इतनी महंगी हो गई है, अब थोड़ा सा तो घबरा लेने दें। देखे जी, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत नहीं, अभी तकरीबन 4 साल पड़े हैं घबराने को। अपनी घबराहट काबू में रखें, अभी तो महंगाई और होनी है। और नहीं तो क्या, आप लोग अभी से घबरा गए, अभी जो महंगाई होगी उस पर कौन घबराएगा? लाए खड़क साहब कैंची दे, रिबन काट कर इफ्तिताह तो करे। हाँ साहब, आप गैस का चूल्हा भी तो जलाएं, हम आपको इसी गैस पर ना चाय बनाकर पिलाते हैं। खान साहब, गैस तो मुझे भी बहुत रहती है, वो भी काम आ सकती है। आप अपने गैस के ज़खायर संभाल कर रखें, मुस्तकबिल करीब में काम आएंगे। चलें अब गैस का चूल्हा जला कर देखते हैं, आप बस भाग कर जाकर दूध चीनी पत्ती ले आएं। खान साहब, मैं अभी लाता हूँ। शेख साहब, इस गैस को आग क्यों नहीं लग रही? खान साहब, आपकी तब्दीली की तरह कहीं गैस भी जाली तो नहीं है? अब देखे खान साहब, अब मुझे लगता है गैस आ ही नहीं रही। चले कोई बात नहीं, कनेक्शन तो लग गया है, कभी ना कभी तो गैस आ ही जाएगी। इत्मीनान रखो, जब गैस आ जाएगी ना तो चाय हम फिर आकर पी लेंगे। खान साहब, लगता है कि कुछ चूल्हे में आ रहा है। वो लगता है गैस की बजाय पेट्रोल निकल आया। मेरे पाकिस्तानियों, मुबारक हो। खान साहब, पेट्रोल को आग लगाकर चेक कर लें, असली है ना? लगता है पेट्रोल जली है, आग ही नहीं पकड़ रहा। खान साहब, ये पेट्रोल नहीं, ये तो पानी है। पानी है, चलो कुछ तो आ रहा है। बा, 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 चलो चलते हैं, बहुत देर हो गई है। तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको आज का शो? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, क्योंकि जमहूरियत है @24newsag.tv। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कीजिएगा, सर्च में टाइप कीजिएगा क्योंकि जमहूरियत है। जोया को दीजिएगा इजाजत, क्योंकि जमहूरियत है। तो मेरा नाम शबाश शरीफ है।